दोस्तों, कई बार गूगल क्रोम को चलाते समय जब आप गूगल पे जाने की कोशिश करते हैं, तब आपने देखा होगा कि इस तरह से वेरिफिकेशन मांगता है। और एक दो बार अगर वेरिफिकेशन मांगता है तो हम इसको वेरीफाई करके आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि गूगल पे चले जाते हैं। लेकिन सिचुएशन तब ख़राब हो जाती है जब बार 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 हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, और हर बार जो है इस तरह का वेरिफिकेशन मांगता है। ये वेरिफिकेशन कुछ इमेजेस का वेरिफिकेशन होता है, और अक्सर जैसे कि यहाँ पे भी आप क्रॉस वॉक देख रहे हैं। इसके अलावा बसेस, बाइसिकल, ट्रैफिक लाइट, इस तरह की चीज़ें जो है वो वेरीफाई करने के लिए कहता है। ये पूछता है आपसे कि आप बताइए कि इस वेबसाइट पे जाने की कोशिश जो कर रहे हैं आप, वो आप हैं या फिर रोबोट है। तो आपको बताना होता है कि आई एम नॉट रोबोट, इस पर क्लिक करना होता है, और उसके बाद इसमें वेरिफिकेशन पे क्लिक करना होता है, जो साइन ये मांगता है उस साइन पर। तो अगर ये एक दो बार की बात हो तो चल जाता है, लेकिन जब बार बार सिचुएशन आती है तो वो फिर परेशानी हो जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ऐसा होता क्यों है, और अगर ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब हम किसी ऐसी वेबसाइट पर जाने की कोशिश करते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है, बैंड हो, या फिर कई बार होता है ये गूगल क्रोम का अपना ग्लिच होता है, तो ग्लिच भी हो सकता है और आपकी किसी गलती की वजह से भी कई बार हो जाता है। तो उस सारी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ थ्री डॉट में ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन नीचे मिलता है, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में आपको रीसेट सेटिंग मिलती है। यहाँ पर देखिए रीसेट सेटिंग, इस रीसेट सेटिंग पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपको गूगल क्रोम को रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आपको क्या करना है, हिस्ट्री को डिलीट करना है। कंट्रोल एच करके हिस्ट्री शो करेगी, और वहाँ पे क्लियर हिस्ट्री आएगा तो आपको हिस्ट्री भी क्लियर कर देना है। तो ये दो काम करना है आपको, हिस्ट्री क्लियर करनी है और साथ ही साथ में गूगल क्रोम की सेटिंग में जाके उसको रीसेट करना है, क्रोम को रीसेट करना है। अगर मोबाइल में दिक्कत आ रही है तो आप ध्यान दीजिए कि कहीं आपके मोबाइल के अंदर अगर ईमेल लॉगिन है तो उसको भी आप लॉगआउट कर दीजिए। देखिए मैंने अभी यहाँ पर दो काम किए हैं, मैंने हिस्ट्री डिलीट की है, गूगल क्रोम को रीसेट किया है, और कंप्यूटर का रीस्टार्ट कर दिया है। अब रीस्टार्ट करने के बाद मैं सेम देखिए इसको ओपन कर रहा हूँ तो मेरी ये परेशानी ख़त्म हो गई है। अभी ये इस तरह का वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा है, हालांकि इससे पहले हर बार वेरिफिकेशन मांग रहा था। दोस्तों, ये जो मैंने तरीका बताया है 90% ये तरीका काम करता है। आप बस हिस्ट्री को डिलीट करिए और गूगल क्रोम को रीसेट कर दीजिए तो आपकी ये सेटिंग दूर हो जाती है। मोबाइल में है तो अपना ईमेल आईडी लॉगिन है तो उसको लॉग आउट कर दीजिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर इससे भी नहीं होती है, 5% चांस है कि ना हो, तो आपको गूगल क्रोम को अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करके दोबारा से उसको इंस्टॉल कर देना है, चाहे मोबाइल में हो चाहे लैपटॉप में।